नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के भागलपुर के किसानों को अब पौधों से जुड़ी सारी बातों की जानकारी पंचायत स्तर पर ही मिलेगी। इसको लेकर जिला कृषि विभाग ने पौधा संरक्षण पाठशाला की शुरुआत की है। एक पाठशाला में दो प्रशिक्षक द्वारा 25 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि पाठशाला दो पाली में चलती है। पहली पाली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलती है। अभी गोपालपुर, नवगछिया, जगदीशपुर और भागलपुर प्रखंड की 6 पंचायत में पाठशाला चल रही है, जबकि आने वाले समय में भागलपुर जिले की सभी 80 पंचायत में पौधा संरक्षण पाठशाला चलाई जाएगी। अगर आप अपने बैंक खाते, डीमैट अकाउंट या बीमा पॉलिसी के लिए केवाईसी कराना चाहते हैं तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घर बैठे केवाईसी कराने का रास्ता साफ कर दिया है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अगर केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो ग्राहक का सेल्फ डिक्लेरेशन फिर से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अलग अलग ग्राहकों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस तरह का स्व घोषणा की सुविधा प्रदान करें। सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत कर दी है। वहीं इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाधान यात्रा खत्म होने के बाद बिहार विधानमंडल का सत्र है, इसके बाद वे देश की यात्रा पर निकलने के बारे में सोचेंगे। वेस्ट बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं थम नहीं रही है। घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने चेतावनी जारी की है। पूरे देश में कहीं भी यदि कोई रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे जिंदगी में सभी सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाए। यही नहीं, संबंधित व्यक्ति को चिन्हित करके जुर्माने के साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से संचालित शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सालाना परीक्षा 2023 का डेट घोषित कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार कक्षा 5 और 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक होगी। इसके अलावा कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7वीं तक विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा 17 से 21 मार्च कराई जाएंगी। यह परीक्षाएं दो पाली में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली अपराह्न 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। भारत ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय रिश्तों के समग्र विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बेहद जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में यह टिप्पणी तब की जब उनसे चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग के उस बयान के बाबत सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष LSC पर गतिरोध के मद्देनजर हालात को ठीक करने के इच्छुक है। बागची ने कहा कि LSC पर शांति के लिए द्विपक्षीय समझौतों का पालन और सीमा पर यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों से बचना जरूरी है। कटिहार में 3 साल पहले 7 जनवरी 2020 को सूबे के मुख्यमंत्री कटिहार रौतार में 14 पोखर से घिरे चामुड़ू पोखर को जल जीवन हरियाली के मॉडल के रूप में विकसित करने का वादा किया था, मगर 3 साल पूरा होते होते स्थानीय मान्यताओं के कारण चामुड़ू ऋषि के पहचान से जुड़े 14 पोखर के सामूहिक स्थल के जल जीवन हरियाली मॉडल पर पूरी तरह धराशायी हो चुका है। पिछले कुछ सालों में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण यह मांग और बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल प्रदूषण मुक्त है बल्कि ICI वाहनों की तुलना में चलाने में भी कम लागत आती है। अगर आपने ऑटो लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है तो आप आयकर की धारा 80EEB के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आयकर विभाग ने हाल ही में नियमों में बदलाव कर इस सेक्शन को जोड़ा है। पहले ऑटो लोन पर बायर्स को यह सुविधा नहीं मिलती थी। बहुत जल्द कोलकाता व पटना के लिए बोकारो से लोग उड़ान भर सकेंगे। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण व सेल BSL के बीच ओएंडम अनुबंध और CNS ATM समझौते पर दिल्ली में फिर से AMOU हुआ। BSL के ED अमिताभ श्रीवास्तव व AI के ED NV सुबारायडू ने हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाभार्थी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संभवतः इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली पेमेंट इस महीने की जा सकती है। हालांकि तारीख को लेकर अभी तक कोई सटीक खुलासा नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में MP MLA कोर्ट से जुड़ा एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल अवैध हथियार खरीद के मामले में पुलिस ने पूर्व रेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ही आरोपी बना दिया है। MP MLA कोर्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। खास बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक ही नहीं की कि वो लालू प्रसाद यादव ही है या फिर उसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है। करीब 6 माह से रुकी शादी अनुदान योजना फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसे केवल पिछड़ी जाति के लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसमें पहले से आवेदन किए हुए पात्र लोगों को पहले लाभ मिलेगा। इसके तहत अब नए आवेदन भी किए जा सकेंगे। शादी अनुदान योजना करीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद के लिए पहले से चलती आ रही है। इसमें लाभार्थियों की शादी अनुदान के रूप में 20,000 रुपए दिए जाते हैं।
बिहार में नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कल से कराने जा रही है। जातियों की गिनती का काम दो चरणों में पूरा होगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब से 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। आपको बता दें कि जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास सिर्फ पेंशन या बैंक से मिलने वाला ब्याज है, उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बिहार के कटिहार में 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार एसटीएफ ने छापेमारी कर फरार चल रहे 4 बदमाशों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। इसमें सुमन कुंवर, अमन तिवारी, धीरज सिंह और अभिषेक राय उर्फ टाइगर शामिल है। सभी ग्राम बाकरपुर थाना पिरपैती जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। इन्हीं बदमाशों पर आरोप है कि इन्होंने 2 दिसंबर को कटिहार के बरारी में 5 लोगों की हत्या की थी। इन्हें पकड़ने में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी बिहार एसटीएफ की मदद की। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को हिरासत में लिए जाने के मामले में उसे दूसरी बार राजनयिक पहुंच प्राप्त हुई है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने वहां भारतीयों से मिलकर उनका कुशल क्षेमचम जाना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि हम कतर में भारतीयों को हिरासत में लिए जाने के मामले से अवगत है। हमने वहां के प्रशासन के समक्ष इस मामले को लगातार उठाया है। बीते 30 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस पर 2 बार पथराव की घटना हो चुकी है। अब तक यह माना जा रहा था कि ममता बनर्जी के समर्थक ने इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह सारी घटना बंगाल नहीं बल्कि बिहार में हुई थी। मामले में 14 साल के कम उम्र के 3 किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वही एक और किशोर की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए एक और पहल की जा रही है। मुख्य सचिवों का इस तरह का पहल सम्मेलन जून 2022 को धर्मशाला में आयोजित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिस रिजवान को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे मांझी की पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रिजवान को बिहार पुलिस की मदद से झारखंड की पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। रिजवान पर रांची की चर्चित महिला सुषमा बड़ाई पर गोली चलाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए 7 साल में भी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर सहमति नहीं बनने पर संसदीय समिति ने हैरानी जताई है। कानून और न्याय और कार्मिक पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि वह सरकार और न्यायपालिका से संशोधित एमओपी को अंतिम रूप देने की उम्मीद करती है जो अधिक पारदर्शी हो। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से जयनगर को जाने वाली पवन एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री और टीटी के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के ट्विटर पर वायरल होने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल ने मारपीट करने वाले दोनों टीटी को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो 2 जनवरी का बताया जा रहा है। व्हाट्सएप यूजर्स के बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए नए नए फीचर्स जोड़ता रहता है। ऐप डेवलपर्स ने इस प्लेटफॉर्म को एक स्टेप और आगे ले जाने का फैसला लिया है। व्हाट्सएप का लेटेस्ट फीचर इसका सबूत है। ऐप ने दुनिया भर के यूजर्स के लिए प्रॉक्सी सपोर्ट लॉन्च किया है। इसकी जानकारी व्हाट्सएप ने गुरुवार को दी है। प्रॉक्सी सपोर्ट की मदद से व्हाट्सएप यूजर्स बिना इंटरनेट के भी इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रह सकेंगे। उनके फोन ही नहीं एरिया में भी इंटरनेट नहीं होने पर यूजर्स व्हाट्सएप की सेवा को यूज कर पाएंगे। यदि आप भी सफर के दौरान अपना कोच अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको किसी बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। इस सुविधा का फायदा आप अपनी सीट पर बैठे बैठे सफर के दौरान ही उठा सकते हैं। यदि आप स्लीपर कोच की बजाय एसी कोच में यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोच में मौजूद टीटीई से संपर्क करके अपनी रिक्वेस्ट करनी होगी। यदि एसी कोच में सीट फ्री है तो टीटीई आपको इस बर्थ को अलॉट कर देगा। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुख सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। इसी के तहत रेलवे ने ट्रेनों में मिलने वाले पकवानों में भी काफी सुधार किया है। YRCTC बिहार से चलने वाली ट्रेनों के डिब्बों में दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, मखाना, मनेर का लड्डू भी परोसेगी। रेलवे के इस फैसले से देसी और क्षेत्रीय खानपान को बढ़ावा मिलेगा। अखिल भारतीय किसान संघों के महासंघ ने बुधवार केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि तंबाकू की फसल को किसी भी अन्य कृषि उत्पाद की तरह माना जाना चाहिए। FAIFA ने कहा है कि भारत में कानूनी रूप से निर्मित तंबाकू उत्पादों पर कर बोझ इसके उत्पादक पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। अगर तंबाकू की फसल को किसी भी अन्य कृषि उत्पाद की तरह मान्यता मिल जाएगी तो किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने गुरुवार को राज्य की राजधानी गुवाहाटी के बारसापड़ा स्टेडियम से पक्षियों और सांपों को दूर रखने के लिए एक गैर सांप विरोधी गैर सरकारी संगठन को शामिल करने की अपनी योजना का खुलासा किया। जहां पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारत और श्रीलंका के बीच 10 जनवरी को क्रिकेट मैच खेला जाना है।
केंद्र सरकार इस समय बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर तेजी से काम कर रही है। इस महीने देश के एक और सरकारी बैंक को निजीकरण हो जाएगा। देश भर में बैंकों की स्थितियों को सुधारने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं। फिलहाल सेबी ने बड़ा फैसला लिया है। सेबी ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार की बैंक में बची हुई हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डिंग के तौर पर माना जाएगा। सेबी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत में जनगणना करने की कवायद को 30 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया देश भर में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे टाल दिया गया था। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीपीएम की महिला विंग द्वारा आयोजित होने वाली कार्यक्रम से पहले एक पोस्टर बोर्ड को लेकर बवाल हो गया है। यह पोस्टर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजीन भुट्टो का है। केरल की बीजेपी इकाई अब इस पोस्टर को लेकर आयोजकों की मानसिकता पर सवाल खड़ी कर रही और एतराज जता रही है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत और चीन को एक साथ काम करने की बात कही है। दलाई लामा ने कहा कि अगर भारत और चीन के लोग अहिंसा और करुणा के रास्ते पर चलते हुए आंतरिक शांति के लिए काम करें तो पूरी दुनिया को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा, भारत ने पिछले कई सालों में कई क्षेत्रों में प्रगति की है, खासतौर पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी में। बाहरी निरस्त्रीकरण जरूरी है, लेकिन आंतरिक निरस्त्रीकरण भी कम अहम नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंबिका कर्ण, मोहम्मद नौशदराजन, गोलू कुमार, विनोद कुमार, रविशंकर, रेणु देवी, अरसफी मंडल, कौशल कुमार झा, मोहम्मद सैयद, अविनेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन बिट्टू। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, IRCTC के द्वारा ट्रेनों में देसी और क्षेत्रीय खान पान उपलब्ध करवाया जा रहा है, यह लोकल फूड के लिए कितना कारगर साबित होगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।